बहुत ही मान ते सत्कार दे योग स्टेज पर बैठे हुए आगू साहबान ते पंडाल के विच बैठिया मेरिया सत्कार योग भैणा ते किसान वीरों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा बुलाओ गज बज के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह उन्हां दी 400 साल शताब्दी नूं समर्पित सिंघू स्टेज तो असी सवेर तो लैके हुण तक अज मनाया गया। मैं बेनती करांगा कि श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह दे इतिहास बारे सिख कौम तो वध हिंदू धर्म के नाल संबंधित वेरवे बहुत जागरूक ने और बेनती है कि ये जिहड़े त्यौहार मनाए जा रहे ने अज पूरे संसार विच क्योंकि कल नूं 1 मई नूं श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह का आगमन पुरब 400 साल स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, पर साडे वालों अज 30 तरीक नूं इत्थे मनाया गया। पूरे संसार भर विच वस रहे गुरु नानक नाम लेवा सिक्कां जो कि श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह नवें गुरु साहिबानां दा यह 400 साल आगमन पुरब मनाया जा रहा है, सब नूं मेरे वालों लख लख वधाइयां। ते नाल इक बेनती है कि यह जिहड़े पुरब मनाउणे जिस तरह के इस स्टेज तो जदों तो इत्थे आए हाँ गुरु नानक पातशाह जी का आगमन पुरब, श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का शहादत दिवस, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का आगमन पुरब, छोटे ते वड्डे साहिबजादियां दे शहीदी दिहाड़े अते होर भी बहुत सारे प्रोग्राम, विसाखी का दिहाड़ा होर सारे इत्थों मनाए गए ने। ये जिहड़े असी अपने इतिहासिक दिहाड़े मनाउणे आ इहनां दा मतलब की है कि असी अपने इतिहास के नाल जुड़िया रहना, इतिहास को याद रखना ते लोड़ पैण ते समय समय असी उहनां दे इतिहास के उत्ते नक्शे गुरु साहिबाना वालों दर्शाए रस्ते ते चलदिया होया कदे भी पिछे नहीं हटना। मैं ज़्यादा नहीं बोलना पर एक दो बेनतियां ने कि कुछ सज्जन ऐसे ने जिहड़े कैंची का काम करते ने, कैंची का मैं उन्होंने बेनती करांगा कि कैंची का काम ना करो, सूई का काम करो। सूई पाटे हुए कपड़े नूं ते कैंची नाल कट्टे हुए नूं सिउंके ते ओ कपड़ा सिउंके ते असीं अपने गल च पाउणे आ तां ढकदे आ। कुछ लोग जिहड़े कि अज गुरु साहिब दा तुसीं इह 400 साल आगमन पुरब मना रहे हो, शताब्दी मना रहे हो, सिख इह नौवें गुरु तों पहलां श्री गुरु नानक देव पातशाह ने जो सानू ये लंगरां दी प्रथा चलाई सी, 20 रुपए दा लंगर उस टाइम ते लोड़वंदां नूं छका के वो प्रथा चलाई ते अज तक चलदी आ रही है और पूरे संसार च चल रही है। पर कुछ सज्जन ऐसे ने कि जिहड़े लंगरां दे उत्ते किंतु प्रतु करदे ने, ये मैडिकल कैंप, ये जिहड़ी सेवा है ये भी गुरु साहिबां वालों दर्शाए हुए रस्तियां ते ही चलदे वो कर रहे ने सज्जन, चाहे पानी की सेवा है, लंगरां की सेवा है, दवाइयां की सेवा है, आ हुण सिलेंडरां की सेवा, जिहड़े ऑक्सीजन सिलेंडर ने उहनां दी सेवा की जा रही है। पर जदों असी इहनां दे उत्ते कोई सवाल उठाउणे आ जिस तरह अज कार सेवा वाले महापुरश थां थां ते लंगर लाउंदे ने और उत्थों लंगर छकण वाले भी उन्हां लंगरां दे उत्ते किंतु प्रतु करदे ने और उस इतिहास तो भी जाणू हुंदे।
मैं उन्होंने एक अपील करनी चाहना स्टेज तो कि आओ आप सारे रल के एक केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरह आज दिल्ली तख्त से बैठा मोदी ये साढ़े ते जुल्म ते अत्याचार कर रहा है ओनू रोकने वास्ते जुल्म के खिलाफ असी सारे भाईचारा रल के अज लड़ाई लड़ रहे हैं। यही लड़ाई गुरु तेग बहादुर पातशाह ने उस टाइम ते शहादत दा दां पी के भाई मती दास भाई सती दास भाई दयाला जी अनेक शहीद को गिने नहीं जा सकते उन्होंने भी जुल्म के खिलाफ उस वक्त शहादत दित्तियां ते ओ आना नक्शे कदम से चलते असी चल रहे हैं। ते पर एक गल जे अज ये जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि असी किसी आपस में जां होर के तरीके सानू बोलन लग्या ये सोच रखने ध्यान च रखना चाहिए कि जेड़े शब्द मैं स्टेज तो बोल रहा इन्हों शब्दों के नाल किसी दी भावनावां नू कोई ठेस तो नहीं लग रही। सो लंगरां दे प्रथाए उन्हां ते गलत बोलना टिप्पणी करनी मैडिकल कैंपां ते दा होर भी जिन्हें ये सहूलतां दित्तियां जा रही ने साडे दानी वीरां वल्लों उन्हां दे बोलन तो पहला थोड़ा जिहा ध्यान कर लिया करो ता ही ये जिहड़े दिहाड़े ने मनाए ये सफले हो सकते ने वरना ये नहीं कि असी गुरपुरब मनाया असी शताब्दियां मनाईया असी शहीदी जोड़ मेले मनाए उत्थे असी पक्के पकवान बनाए असी देगा बनाईया तरह तरह के खान के पदार्थ बनाए ते उत्थे साडे कवीशर ढाडी रागी उत्थे आए ते उन्होंने बोलता ते असी छाके चले गए ऐस कन्नो सुनी ते इधरले कट दिती इतना गल नहीं बनने गल तां बनेगी जे असी उन्हां वल्लों दर्शाए रस्तियां ते चलांगे ते अपने आप वल झाती मारिए कि असी आए किस काम नूं आ। बस यही ध्यान रखना कि तिन्ने कानून रद्द कराउण लई MSP पूरे भारत च लागू कराउण लई अते जिस तरह दस्सिया गया कि पराली दा सोध बिल जिहड़ा सी ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਪੱਕੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ गुरु नानक नाम लेवा सिक्का जो के गुरु तेग बहादुर पातशाह दी 400 साल शताब्दी मनाई जा रही है उन्हें समुचे संसार विच वसदे गुरु नानक नाम ले सिक्का ते गुरु तेग बहादुर पातशाह दा मनार है गुरपुरब उन्हें सब नूं लख लख वधाइयां देंदा होया खिमा दा जातका बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। यह सन सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा साहब जिन्हां ने अपने वडबूले विचार संगतां नूं संबोधित किए ने। सो हुण मैं बेनती करांगा बीबी मोहनी कौर जी मेरे तो पहला बहुत सारे बुलारियां ने आप जीआं दे नाल कीमती विचार रखे कि मोदी कोलों असीं अपने हक लैके जावांगे किन्ना कु चिर ये जबर साढ़े ते करदा रहूगा आखिर बकरे की माँ किन्ना कु चिर खैर मनावेगी आखिर सिर देना पैना है ते मनना पैना है। ये तिन्ने कृषि कानून रद्द भी करने पैण।